खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी से अभी अभी राहुल गांधी ने बातचीत की है, तो विपक्षी दल तमाम एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं सीबीआई की कार्रवाई को लेकर। और बड़ी खबर यह कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की है, तो कोलकाता में ममता धरने पर बैठी हुई है। जिस तरीके से आज सीबीआई ने छापा मारा था, पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची थी सीबीआई, हालांकि सीबीआई कार्रवाई नहीं कर पाई बल्कि सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था कोलकाता पुलिस ने। नाटकीय घटनाक्रम पूरा देखने को मिला और उसके बाद अब ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं और विपक्षी दल के तमाम जो नेता हैं ममता बनर्जी को अपना समर्थन लगातार जाहिर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी से बात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की है, तो राहुल गांधी का भी ममता बनर्जी को समर्थन मिला है। हालांकि आज कोलकाता पुलिस का जो रुख था वो भी सवालों के घेरे में है, जिस तरह से सीबीआई को रोका गया पूछताछ से और सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया, कहा यही गया कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री की शह पर हुआ है। तो क्या मुख्यमंत्री ने एक भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को बचाने का प्रयास किया? लेकिन देखिए दूसरी तरफ अब ये पूरा मामला किस तरीके से राजनीति में तब्दील हो चुका है, यानी इसी बहाने जमकर राजनीति हो रही है। विपक्षी दल के तमाम नेता एकजुट होते जा रहे हैं और अभी अभी राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी से बात की है। और ऋत्विक मंडल इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता। ऋत्विक, क्या बातचीत हुई है वहां से, आपको कुछ और इस बारे में पता चल पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ममता बनर्जी वहां पर धरने पर बैठी हुई है। कुछ देर पहले राहुल गांधी ने उनको फोन किया था, जो ममता बनर्जी खुद कह रही है उनको, उन्होंने कहा कि कुछ देर तक फोन पर राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी की बात हुई। उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर फिलहाल जो खींचातानी सीबीआई और कोलकाता पुलिस, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रही है, इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी के पास है, ममता बनर्जी के साथ है राहुल गांधी, ऐसा उन्होंने कहा है फोन पर। मैं पिछले कुछ वक्त से देख रहा हूं कि आज शाम के बाद लगातार अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो मायावती हो या फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल, यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू, उन इन सभी तमाम जो विरोधी नेता है वो एक एक करके ममता बनर्जी को फोन कर रहे हैं और उनसे बात ही हो रही है। और कुछ देर पहले जो पता चल पा रहा है कि राहुल गांधी ने उनको फोन किया था, उन पर बात हुई और इस ममता बनर्जी की, उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल स्थिति में राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ है, ऐसा उन्होंने फोन पर बताया है। आपकी ऋतिक वहां पर कुछ नेताओं से बातचीत हुई होगी, क्या यह भी पता चल पा रहा है कि ये जो नेता फोन पर बात कर रहे हैं कल कोलकाता पहुंचेंगे भी क्या? देखिए ये खुलासा अभी तक नहीं हो पा रही, लेकिन अभी तक जो पता चल पा रहा है कि विरोधी दलों के बहुत से नेता, तमाम नेता है, पहले मैंने बताया कि बहुत से नेता, चाहे वो मायावती हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो तमाम नेता लगातार फोन पर ममता बनर्जी के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। ये रोचक बंदी नजर आ रही है क्योंकि ममता बनर्जी खुद ऐलान कर चुकी है कि ये धरना प्रदर्शन, वो खुद कह रही है कि ये संविधान को रक्षा करने के लिए वो फिलहाल बैठी हुई है कोलकाता के मेट्रो चैनल पर, वो लगातार ये अनशन चलती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है, ये गुजारिश की अपनी पार्टी के समर्थकों से कि अगले दिन सुबह से वो राज्य के अन्य जिलों में भी वो विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन उन्होंने ये भी गुजारिश की है कि पूरी तरीके से शांति को बना के रखें। और वो लगातार कह रही है कि वो लगातार इस अनशन पर बैठे रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि कल बंगाल में बजट पेश होने वाला है, ममता बनर्जी का फैसला यही है कि उसी धरना मंच से वो बजट की जो काम है वो वहां से निपटाएंगे। उन्होंने ये भी फैसला लिया है कि बिल्कुल मेट्रो चैनल के बगल में एक आप कह सकते हैं कि एक दफ्तर बनवाया जा रहा है, एक रूम, खास रूम बनवाए जा रहे हैं जहां पर बजट से पहले जो कैबिनेट मीटिंग होती है वहां पर ही वो मीटिंग बुलवाया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, और तमाम जो राज्य के मंत्री है उस मीटिंग पर वो रहेंगे। चलिए शुक्रिया ऋतिक मंडल की जानकारी के लिए। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि धरना स्थल के बिल्कुल बगल में कमरा बनवाया जा रहा है जहां से सरकारी कामकाज ममता बनर्जी निपटाएंगी, इसका सीधे तौर पर मतलब यही है कि ऐसा लग रहा है कि लंबे वक्त तक वो धरने पर बैठेंगी। और इस बीच किस तरीके से समर्थन विपक्षी दल के नेता जता रहे हैं, उस कड़ी में देखिए एक और ट्वीट शरद पवार का। सीबीआई का पश्चिम बंगाल में दुरुपयोग कर विपक्ष को कुचलना, आगे कहते हैं शरद पवार,
और राजनीतिक लाभ पाना चाह रहे हैं, यानी बीजेपी पर यह आरोप लगाया है शरद पवार ने कि राजनीतिक लाभ पाने की यह कोशिश है। और ये देखिए एक बार फिर से आपके सामने सीधी तस्वीर, सरकार सड़क पर। अमूमन आप ऐसा देखते होंगे कि विपक्षी दल के जो नेता होते हैं वो धरना प्रदर्शन सड़क पर करते हैं, लेकिन वाकई अपने आप में यह अलग तस्वीर मुख्यमंत्री खुद धरने पर। और जीबीएल नरसिम्हा राव इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। जीबीएल ये बताइए कि अब आप लोग वहां क्या करने जा रहे हैं, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, सड़क पर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, धरना दे रही हैं। एक तरह से कानून और संविधान के धज्जे उड़ाने के बाद ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं, तो एक तरह से एक आपने जो जिस लोकतंत्र की बचाने की आप दावा देते हैं, एक तरफ से दावा करते हैं, पर एक्चुअली लोकतंत्र की हत्या कर रही है आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो सीबीआई जो जांच एजेंसी है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन काम कर रही है, और आखिर भ्रष्टाचार के इल्जाम जिन पर है उनको बचाने के काम ममता बनर्जी क्यों कर रही है? उनको सर्वोच्च न्यायालय के सामने कल उनको दलील देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र के नाम, लोकतंत्र के हवाला कर देते हुए उन्होंने जिस प्रकार आज जो घटनाक्रम से जो मालूम पड़ता है, ये जिस प्रकार उन्होंने हत्या करने की कोशिश किया है, इसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं नहीं जीबीएल, ये बात तो आप कह रहे हैं ना, ममता बनर्जी ये कह रही है कि आप लोगों ने राजनीतिक साजिश के तहत ये सब कुछ किया है, दबाव बनाने के लिए आपने किया है, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर रही है ममता बनर्जी। आखिर इनको क्या लगता है, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था या जो शारदा और अन्य चिट फंड स्कैम्स में जो काम हुआ था, जो भ्रष्टाचार हुआ था, तो उनके आरोपी को न पकड़ा जाए क्योंकि वो टीएमसी से संबंध रखते हैं या वो अधिकारी उनके नजदीक अधिकारी हैं, तो क्या ममता बनर्जी का ये दलील है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे और हमारे ऊपर किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? यदि ऐसा उनकी दलील है तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार करने में माहिर हैं तो हमें संरक्षण मिलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की आज ममता बनर्जी ने, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बिना सर्च वारंट के सीबीआई पहुंच गई पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर, कल को चीफ सेक्रेटरी के घर के बाहर पहुंच जाएगी, किसी का भी कभी नंबर आ जाएगा, उनके एक स्टाफ से पूछताछ की गई, तो एक तरीके से परेशान किया जा रहा था उन्हें। अब देखिए जो आरोपी हैं और जिन्होंने खुद एविडेंस को गायब करने का जिन पर आरोप हैं, तो उनसे पूछताछ करना स्वाभाविक है। आखिर डर क्या है इनको, तो पूछताछ से क्या डर है? क्या ऐसे आरोपियों को अधिकारी बना करके, उनको कमिश्नर बना के, उनको संरक्षण दे करके खुद बचना नहीं चाह रही है ममता बनर्जी? तो इसलिए ये सवाल और आज जो घटनाक्रम है उसके लिए पूरी जवाबदेही, पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी का है, क्योंकि सीबीआई को रोकने का उन्होंने पहले भी प्रयास किया था और जनरल कंसेंट के बिना हम इनको अब बंगाल में आने नहीं देंगे, इस प्रकार की उन्होंने कोशिश किया था। पर लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को इस प्रकार ये केस सौंपा है और इसके इन्वेस्टिगेशन में जो भी बाधा डालते हैं, मैं मानता हूं सीधा उनको अंदर करने का अधिकार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को है, ठीक है, तो मुझे लगता है जो भी उसमें रुकावट कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार के आदेश देंगे, जो भी रुकावट डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी केस बुक किया जाए। लेकिन जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। सड़क पर उतर गई हैं ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। आज ये पूरे एक भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, हमने पहले भी इसको कहा था और आज उसको वो खुद ही उसके लिए सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। जो जो नेता उनको समर्थन कर रहे हैं
वो खुद ही सबके सब इस प्रकार के दायरे में है, इन्वेस्टिगेशन में है, और हर एक के खिलाफ कोई ना कोई आरोप है। ये भ्रष्टाचारियों का नया गठबंधन है, ये देश को और एक मौका मिलेगा देखने का। ये सेव द डेमोक्रेसी के नाम पर जो गठबंधन है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक गठबंधन बना रहे हैं, इस प्रकार के दावा करते हैं, बट लेकिन ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की गठबंधन है और लोकतंत्र को हत्या करने वाली गठबंधन है। हाँ हाँ जीबीएल, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपने दर्शकों को जरा एक बड़ी खबर बता दें कि विपक्षी एकता में दरार की खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने इसे ममता बनर्जी का ड्रामा कह दिया है। तो ममता के मुद्दे पर विपक्ष में फूट पड़ी, वामपंथी दल के नेताओं ने अलग रुख अख्तियार कर लिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से आप देखें तो इस तरीके का रिएक्शन आ सकता था सीपीएम की तरफ से, इस तरह यह अनुमानित चीज ही नजर आ रही है, क्योंकि सीपीएम वहां सीधे तौर पर टीएमसी के साथ मुकाबले में है। ममता के मुद्दे पर विपक्ष में फूट पड़ गई है, सीताराम येचुरी ने इसे ड्रामा करार दिया है। और जीवीआर शास्त्री मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़, उनसे हम बात करेंगे कुछ देर के बाद, जुड़ेंगे हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर से आपको यही खबर विस्तार से बता दें, सीपीएम के नेता हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने ममता के धरने को ड्रामा कह दिया। ममता बीजेपी अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने में जुटे, यह कहना सीताराम येचुरी का। तो बंगाल में ममता से सीपीएम का सीधा मुकाबला है, ऐसे में सीपीएम का जो ये रुख है इसका अनुमान पहले से भी लगाया जा सकता था, और साफ तौर पर अब यह साफ भी हो गया है, सीताराम येचुरी ने यह बात कही है कि यह सब कुछ ड्रामा है और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है। लेकिन जीवीएल, जो लड़ाई अब सड़क पर आ गई है, उसमें आप कैसे लड़ेंगे, आप लोग की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है कल? अब देखिए, जो जिन पर सरकार को चलाने का जिम्मा है, जो ममता बनर्जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मुझे एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा जीवीएल। मेरे साथ इस बार नागेश्वर राव इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीबीआई के अंतरिम निदेशक। नागेश्वर राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। आज जो पूरा सीबीआई का एक्शन हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप लोगों ने ये कार्रवाई की, कैसे एक्शन लिया? We have been conducting investigation as per the direction of the Honorable Supreme Court. जी. And we need to conduct a comprehensive investigation including the larger conspiracy angle which the Supreme Court has specially directed us to conduct. And we have been requesting the state police authorities in the last 2 to 3 years to cooperate with us. And then we have been giving them notices to hand over the seized evidence by them, and then in order to examine the officers who conducted the initial investigation. But we have not been getting any cooperation. On the contrary, there have been a lot of harassment and other things done to the CBI officials who are conducting investigation. There were a lot of obstructions. We have brought this to the notice of Honorable Supreme Court, and Honorable Supreme Court directed that everyone should cooperate. In spite of that, also the state police authorities have been very adamant in not cooperating with the CBI. So we thought that we would examine and interrogate the Sri Rajiv Kumar, who was the SIT chief earlier. Now he is the commissioner of police Calcutta. Accordingly, our team went to his residence. There, as informed to me by my officials, they have not been allowed to enter his residence. And then, after some time, the local police officials took our CBI team members to the local police station and detained them for some time. This is what I have been informed. And then the police authorities also, as informed to me, have surrounded the CBI offices in Salt Lake as well as in Nizam Palace. And as told to me by my joint director over phone, that some police officials have been to his residence, and then they started banging on the door and then threatening to arrest and all that. So these have been brought to the notice of the authorities concerned. And but then, Nageshwar Rao sahab, did you had search warrant? Mamata Banerjee is saying about this. There is no need for any search warrant because the CRPC authorizes the investigating officer to conduct search at any place. That is section 165 of the CRPC. So that the local police also does the same thing the CBI does, because the CRPC is being followed by everyone. So there is no need for any such warrant.
Okay. So are you going to Supreme Court tomorrow? Yeah, we have been consulting our law officers and we would be going to the Supreme Court and placing all the facts before the Honorable Supreme Court. And then we will, thereafter we will take action as per as directed by the Honorable Supreme Court. But let me make it very clear that all that we are doing is as per the directions of the Honorable Supreme Court to conduct comprehensive investigation into the chit fund scam involving thousands of crores of rupees. Jee. And also to look into the larger conspiracy angle. और कोलकाता पुलिस के जिन अधिकारियों ने सीबीआई को रोकने की कोशिश की, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन की मांग आप लोग करेंगे? No, that we have reported to the local police, but they refused because we don't have that jurisdiction. So we have our officers told me that they have reported to the local police station about this one, but they refused to accept or give any acknowledgement there too. On the contrary, they have this one. But these facts, the four corners of the law. We have not gone beyond even 1 centimeter beyond the law. And we are not taking, there is no pressure on us, there is no pull on us, there is no pull or pressure on us. We are doing things as per reason. Because if you remember, the Honorable Supreme Court directed the CBI to investigate in the year 2014. Now we are in 2019. Even after 5 years, we have not even completed 50 to 60% of the investigation in Bengal, whereas in all other states, we have completed a large part, almost 80 to 90%. The reason being extremely non-cooperative and a hostile attitude of the state police authorities. So all that we request is state police to kindly cooperate so that no, we can complete. Because investigating this big scam where large number of people are the victims, so it is our fundamental duty. Jee. नागेश्वर राव इन्वेस्टिगेशन बोलिए जी, क्या आखिर उन पर आरोप है? राजीव कुमार पर क्या स्पेसिफिक चार्ज है जिनके आधार पर आप लोग उनसे पूछताछ करना चाह रहे थे? बिकॉज नो दिस एज एसआईटी चीफ द एसआईटी हैज कलेक्टेड लॉट ऑफ सीज लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्स कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विच हैज नॉट बीन हैंडेड ओवर टू अस इन स्पाइट ऑफ आवर दिस. So there is a apprehension that either this evidence which they have seized has been either concealed or destroyed. Second, we have been noticing them that to kind but they are not responding. And third, they are creating obstacles in our investigation. जी, आप लोग गवर्नर से भी मिलने वाले हैं कल? नहीं नहीं नो नो हम किसी से मिलने के नहीं है. बिकॉज हम तो सुप्रीम कोर्ट का आधार पर काम कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट को हम अप्रेज करेंगे ये घटना हुआ है, उसके बाद में हम किसी से मिलना नहीं है, हमको ऐसा कुछ नहीं. और आपके अधिकारियों को अब क्या पश्चिम बंगाल में ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए? नेचुरल सबको चाहिए. हमारा ऑफिसर जो अधिकारियों का अगर कुछ ऐसा लग रहा है, असर पड़ रहा है, जरूर चाहिए उसको. नागेश्वर राव जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि अब क्या एक्शन आप लोग लेंगे, चूंकि मामला तो वहीं का वहीं नजर आ रहा है, आपके अधिकारी वहां गए पूछताछ करने के लिए, उन्हें हिरासत में ले लिया गया? ऑल दैट वी हैव टू डू इज कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इनटू द चिट फंड स्कैम इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, और कुछ नहीं है हमारा. दैट सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश का पालन करना है हम, बस और कुछ नहीं है हमारा. तो फिर से पूछताछ करेंगे राजीव कुमार से? वो तो ममता बनर्जी के साथ बैठे हुए धरना स्थल फिर से क्या? हाँ, नहीं नहीं, हमको तो पूछताछ का अवकाश नहीं मिला है ना. आज हमारा टीम गया है, उसको तो अलाउ नहीं किया गया. सो पूछताछ तो करना है अभी तो. अब तक तो पिछले 5 साल से एक बार भी हम तो सीबीआई तो कुड नॉट एग्जामिन हिम, नॉट ओनली हिम, एग्जामिन एनी पुलिस ऑफिसर हु वाज पार्ट ऑफ द एसआईटी. जी, अगर पूछताछ की परमिशन आप लोगों को नहीं दी गई, कहा यह जा रहा है कि ये बेहतर नहीं होता कि आप लोग कोर्ट चले जाते, फिर अदालत से कोई आदेश लेकर वहां वापस आते? नहीं, ये जो कंसल्टेशन की स्थिति बनी, आखिर इसके ऐसे टाला नहीं जा सकता? वी हैड ऑलरेडी अप्राइज्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट ऑल अथॉरिटी शुड कोऑपरेट, और उसे ज्यादा और क्या चाहिए? जब द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री डायरेक्ट दैट एवरीवन मस्ट कोऑपरेट, और उसके बाद में अगर स्टेट पुलिस अथॉरिटीज जो एसआईटी में है वो हमको एग्जामिन नहीं करने देते हैं, जो एविडेंस वो सीज किया है वो हमको नहीं देते हैं, हमको इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देते हैं,
और हम क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट वी विल अगेन ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप और किन किन लोगों से आप पूछताछ करना चाह रहे हैं राजीव कुमार के अलावा जिनसे आप पूछताछ नहीं कर पा रहे? जितना लोग जितना लोग एसआईटी में सबको पूछना पूछताछ करना चाहिए करेंगे। राजीव कुमार को लेकर क्या करप्शन का कोई ऐसा आरोप है जिससे संबंधित कोई पुख्ता सबूत आपके पास हो? नहीं, हमारा कुछ बाकी विषय पे लेना देना नहीं है। चिटफंड मामले में ही क्या आप लोग के हाथ कुछ ऐसी चीज लग गई है? क्या कोई एविडेंस ऐसा है क्या जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि आज हमारे पास वी हैव एविडेंस सीबीआई डज नॉट वर्क विदाउट एविडेंस। हम इतना स्टेप जो उससे जो एग्जामिन करने के लिए जब गए थे वो एविडेंस हमारे पास है बोल के तो गया है जी। नागेश्वर राव जी, जिस तरीके से आज सीबीआई के अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल में सुलूक हुआ, क्या आपको लगता है कि ये गलत परिपाटी है? अगर हर स्टेट में इस तरीके से लोग करने लगेंगे तो फिर सीबीआई कैसे जांच कर पाएगी आगे? नहीं, दीज आर द थिंग्स विच डू नॉट हैपन एनीवेयर एक्सेप्टिंग फ्यू प्लेसेस। कभी कभी दीज आर एबरेशन आई से बिकॉज द सीबीआई एंड स्टेट पुलिस एवरीवेयर वी वर्क इन गुड कोऑपरेशन इन एवरी स्टेट इरेस्पेक्ट ऑफ द पोलिटिकल डिस्पेंसेशन, बट समटाइम्स दिस काइंड ऑफ एबरेशन डू टेक प्लेस। सो सिंस यू नो द आईपीएस ऑफिसर्स वी बिलोंग टू द ऑल इंडिया सर्विस, दैट मीन्स वी वर्क इन द सेंटर, वी वर्क इन द स्टेट एंड वी आर अ लिंक बिटवीन द स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल पुलिस फोर्सेज। So we need to function that way, because that is what the what is enshrined in the constitution. IAS and IPS officers are All India Service officers. We are the link between the state and central administration. So if we do not function that way, then problems like this would happen. जी, सीबीआई के चीफ के तौर पर क्या आप ममता बनर्जी को कुछ कहना चाहेंगे एबीपी न्यूज के माध्यम से? No. We are government servants. We have nothing to do with this one. So we do our job as per the law. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, क्या आज आपकी जो सीबीआई के जो अधिकारी वहां पहुंचे थे, क्या लोकल थाने में उन्होंने कांटेक्ट किया था वहां पहुंचने से पहले राजीव कुमार? लोकल थाने में कांटेक्ट किया था, लिख के भी दो रिपोर्ट दिया है, पहले जाने से पहले भी वहां दिया था, जाने के बाद भी फिर बोला गया, फिर वहां थाने गया, वो दो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया जी। देन वो डीसीपी साहब एडिशनल सीपी एंड ऑल दो पीपल आर देयर, इट वाज रिपोर्टेड एंड देन वी वांटेड दैट नो वी वुड वर्क विद इन कोऑपरेशन विद दिस वन बिकॉज वी हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज फार एज द सीबीआई इज कंसर्न। आवर इंटरेस्ट इज ओनली पब्लिक इंटरेस्ट, आवर इंटरेस्ट इज ओनली टू कंप्लाई टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वी हैव नथिंग अगेंस्ट विद द स्टेट पुलिस। We work in tandem with state police everywhere, and we also work the same way in other parts of the Bengal also. In fact, 90% of the this one issues there are no problem except these kind of aberrations which are unfortunate, which could be perfectly avoidable. और सीबीआई ऑफिसर्स के साथ क्या आज मैनहैंडलिंग भी हुई है? क्या कुछ बदतमीजी हुई, धक्का मुक्की हुई? बोल रहा है, but I have not got confirmed this one because our people are terrified to even to tell because most of them are even afraid to call. तो फोन पकड़ने में भी डरने लग रहा है। देखते हैं, कल तक आपकी बात हुई क्या सर? आपके ऑफिसर से आपकी बात हुई क्या? I have been in touch with one or two officers and our joint director and SPs, I'm in touch with them. जी. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नागेश्वर राव को आप सुन रहे थे जो कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना कि सीबीआई ये कार्रवाई कर सकती थी, ये अधिकार है सीबीआई के पास कि वहां पर वो पहुंची और उसके बाद राजीव कुमार से वो पूछताछ करना चाह रही थी। सवाल ये, जिस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों को वहां डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, क्या वो गैर कानूनी है? और अगर ऐसा है तो क्या कोलकाता पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सीबीआई? ये साफ कर दिया है नागेश्वर राव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ तौर पर ये बात कही है उन्होंने। तो राजीव कुमार के बारे में जरा आपको बता दें, शारदा केस में एसआईटी प्रमुख थे राजीव कुमार, जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। शारदा केस के दस्तावेज एसआईटी के पास ही थे जिस एसआईटी का गठन किया गया था इस मामले में जांच के लिए। शारदा केस के सबूत या तो गायब या नष्ट हुए राजीव कुमार आरोपों के घेरे में जिनसे सीबीआई को पूछताछ करनी थी।
लेकिन सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ नहीं कर पाई, उन्हीं के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया और इस पूरे मामले में जमकर राजनीति हो रही है कोलकाता की सड़कों पर। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर गई हैं, धरना दे रही हैं। कल बीजेपी की तरफ से भी वहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो बातें कहीं आज सीबीआई के अंतरिम निदेशक ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम ये कार्रवाई कर सकते थे, हमें इसका अधिकार है, लेकिन हमें वहां पर रोका गया। लोकल थाने में उन्होंने जानकारी दी थी, जो नियम है उसके मुताबिक स्थानीय थाने को इत्तला करने के बाद वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, लेकिन कोलकाता पुलिस क्या कह रही है, कोलकाता पुलिस का भी पक्ष आ गया है। कोलकाता पुलिस का यह कहना है सीबीआई को लेकर कि बिना वारंट के सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच गई थी। সিবিআইর কিছু অফিসার তারা লাউডন স্ট্রিটে এসেছিল, তারা ওখানে উইদাউট এনি পেপার তাদের কথা অনুযায়ী একটা সিক্রেট অপারেশন করতে এসেছিল। আমরা তাদের সঙ্গে যখন ডিসকাস করছিলাম, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি সিক্রেট অপারেশন কি ছিল, দে কুড নট রেসপন্ড, কেম হিয়ার উইদাউট এনি ভ্যালিড পেপার্স। আমরা জিজ্ঞাসা করেছি, এখনো অবধি ওরা কোনো পেপার প্রডিউস করতে পারেনি, অ্যান্ড নাও দে আর উইথড্রয়িং, উই আর ভেরিফাইং। तो जो वैलिड पेपर होने चाहिए थे वो पेपर नहीं दिखाए जा रहे थे कोलकाता पुलिस के अधिकारियों को, और सीक्रेट ऑपरेशन का इसे नाम दिया गया था, ये आप सुन पा रहे थे। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी इस पूरे मामले में सफाई दे रहे थे, लेकिन सीबीआई का भी अपना पक्ष है। सीबीआई के अंतरिम निदेशक खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे थोड़ी देर पहले, नागेश्वर राव, उन्होंने साफ कर दिए बात कि हमें ये पूरा अधिकार है कि किसी वारंट के बिना भी हम वहां जा सकते हैं पूछताछ के लिए। और जीवीआर शास्त्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जरा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जीवीएल नरसिम्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले जीवीआर शास्त्री जी, आप ही से समझना चाहूंगा, ये पूरा घटनाक्रम आज का क्या इशारा करता है, किस तरफ ये पूरी राजनीति जाती हुई दिख रही है आपको? नहीं, जरा जांच एजेंसी का जो एक्ट था, सीबीआई एक्ट था, दिल्ली पुलिस एक्ट के मुताबिक था, वो पुख्ता एक्ट नहीं था, ये बात पहले से सबको पता है। और उसकी बेसिस पे बहुत स्टेट्स ने सीबीआई की जांच की, जहाँ उनके अपने टेरिटरी में होता है उसको ले परमिशन मांगने की, जो 165 था वो विड्रॉ कर लिया था, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी विड्रॉ किया था। सीबीआई को ये काम करना चाहिए था, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल कर देना चाहिए थी, जितने स्टेट्स ये मुकम्मल के तौर पे इनको इजाजत नहीं दे रहे थे, उनकी प्रति पहले सीबीआई को अर्जी दाखिल कर देना चाहिए था। ये बहुत देरी हो गए, क्योंकि तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी किया था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी किया था, बहुत गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गुजरात गवर्नमेंट भी है इसमें अंदर, ये बहुत गवर्नमेंट है जो अभी सीबीआई के लिए परमिशन नहीं है। तो वो ये पहले से क्या सो रहे थे लोग, क्यों नहीं सब सीबीआई, जब जिस दिन ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये वापस ले लिया था, उसी दिन याचिका ये कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। नंबर वन, नंबर टू, इनके निदेशक तो सेलेक्ट पैनल कमिटी अपॉइंटेड निदेशक तो है ही नहीं, he doesn't have any powers, he is only a functional authority, he is not a strategic authority। जी, वो functional authority है, वो select panel appointed, Nageswara is not a select panel appointed director, he is a time bound, it is a time to time decision taken by director। नहीं नहीं, तो आप एक मिनट, तो इतना मतलब नहीं नहीं शास्त्री जी, तीसरी बात सुन लीजिए, तीसरी बात क्या, सरकार केंद्र सरकार के पास ये जिम्मेदारी थी, जब उनको एक डायरेक्टर को हटाना था, जब फैसला किया था, तो दूसरी डायरेक्टर को तुरंत नियुक्ति करती, तो उसके लिए सिलेक्शन पैनल कमेटी बुला लेते, उसमें आदरणीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी है, अपोजिशन लीडर भी है, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब है, उसी टाइम पर कर देते, क्योंकि इनको इन्होंने जो सिलेक्शन में इनको बहुत कुछ गलत तो इनकी तरफ से भी हुआ, वो बात अलग है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को तो छोड़ दीजिए, लेकिन बात यह है इनकी पूरा देखेंगे उसमें तो साफ दिख रहा है, सीबीआई डायरेक्टर कैसे बोल सकता है। एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट है मेरे साथ जिन्हें आप सुन रहे थे, जीवीआर शास्त्री, उनका कहना कि गलती दोनों तरफ से हुई है, सीबीआई ने भी जिस तरह से कार्रवाई की उसे और सतर्क रहने की आवश्यकता थी। नहीं 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 नहीं, देखिए, लेकिन शास्त्री जी जो कह रहे हैं ये आई थिंक इनका आंकलन गलत है, जानकारी अच्छा? शायद इनको नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जनरल कंसेंट की जो जरूरत होती है, सुन लीजिए पहले मुझे मेरा कमेंट सुन लीजिए, जनरल कंसेंट तब जरूरत होता है जब केंद्र सरकार को या सीबीआई को अपने आप कोई केस को यदि टेक ओवर करना होता है, ये केस पुरानी केस है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सीबीआई को ये जांच टेकअप करने के लिए, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तब किसी राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है,
तो इसलिए ये पहले ये गलत उनका बयान है, गलत है। दूसरा जो है, सीबीआई एक संस्था की तरह काम करती है, उसमें कौन डायरेक्टर है, वो इंटरिम डायरेक्टर है, ये इसका कोई वो संस्था संस्था को ये केस सौंपा गया, तो इसलिए आपको समझ नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के बयान गलत बयान कर रहे हैं। डायरेक्टर रखने के लिए नरसिम्हा साहब सुनो, सीबीआई डायरेक्टर नरसिम्हा साहब सुनो, तीन महीने केस चली, वो आप लोग अलग विषय है, अलग विषय है, आप भटक रहे हैं असली मुद्दे से, भटक रहे हैं। सीबीआई की ले अभी इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, उनकी पहला मुकम्मल के तौर नहीं, पे ये इस केस से कोई संबंध नहीं है। चलिए वापस आते हैं इसके राजनीति का सर पर, इस केस से आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, जीवीआर शास्त्री जी, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया, इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है सीबीआई को अपनी मुकम्मल तौर पे उन्होंने कंसेंट वापस लिया तो सीबीआई का जिम्मेदारी बनता है। ठीक है, अब जो हो गया वो तो हो गया, अब इस पर आगे क्या होना ये देखा होगा, कोई असर नहीं है इस केस में। जीवीएल राजनीतिक तौर पर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि नुकसान हो जाएगा? जिस तरह से ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया, जो मेरा पहला सवाल था, सड़क पर उतर आई है वो, और इस तरह के मौके को कैसे भुना ले अपने पक्ष में, इसकी महारती है ममता बनर्जी। तो गवर्नेंस ऐसी है, आपकी गवर्नेंस की तरीका ऐसा, तो तरीका ऐसे ही रहेगा। नहीं नहीं, देखिए सड़क वो मुख्यमंत्री जी, एक मिनट बारी बारी से जीबीएल को बोल लीजिए, वो प्रदेश के ममता बनर्जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और उन्होंने भ्रष्टाचार को बचाने, भ्रष्टाचारियों को बचाने का, और भ्रष्ट जो चिटफंड स्कैम जो हुआ है उस पर उसके असली जो गुनहगार है वहां तक सीबीआई ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बहुत ड्रामा किया है। और यह देश के पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, जो हजारों लोग, जो हजारों करोड़ रुपए का जो जिनका चूना लग गया, वो सारे ममता बनर्जी और टीएमसी ने खा लिया, यही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। नहीं तो सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? जो अधिकारी जिन पर पूरे इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की जो आरोप है, उनको बचाने की क्या जरूरत है ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी तो कह रही है, ममता बनर्जी पर कोई अटैक कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को आखिर क्यों बचा रही है? जी जीवीएल, जिस अधिकारी को आप भ्रष्ट कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है, तो बड़े ईमानदार अधिकारी है, बेस्ट अधिकारी। ये गलत है, आईपीएस ऑफिसर को आप किसी एक आईपीएस ऑफिसर को भ्रष्टाचार के नाम पे खोल लेना, नहीं नहीं ये गलत बात है। उनको दूसरी बात ये है, दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए, प्रमुख बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने, को बोलने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास, जांच को सही नहीं माना है, तभी तो सीबीआई को ये विषय को सौंपा है। नहीं, एसआईटी का प्रमुख बनाया, उनके ब्लू आइट बॉय है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो उनके सारे भ्रष्टाचार को छुपाने में, उनको डाइवर्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल करने में उनका मदद कर रहे हैं, तो इसलिए ममता बनर्जी उनकी गुणगान गा रही है। बट लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ ये आरोप है, जी जी, ये पूरे शास्त्री को उन्होंने जानबूझकर इन्होंने आरोपियों को बचाया, ठीक, और भ्रष्टाचार की बात बढ़ावा दिया है। जीवीआर शास्त्री जी, जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री एक ऐसे अधिकारी के बचाव में आ गई, उसके घर पहुंच गई मीटिंग करने के लिए, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिससे पूछताछ के लिए सीबीआई गई है, संदेश क्या गया, क्या मैसेज गया, जिस तरह से आज ममता बनर्जी कवच बनकर, ढाल बनकर खड़ी हो गई इस अधिकारी के लिए? मैं संदेश के साथ तो मैं कुछ वो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बात साफ साफ शब्दों में कहता हूं, नागेश्वर राव साहब ये सिर्फ एक टेम्पररी डायरेक्टर है, इस तरीके से चाहे सुप्रीम कोर्ट का चाहे हाईकोर्ट का कंसेंट विड्रॉ किया था, सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे देना चाहिए था, क्यों एक सखे से राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक कंसेंट ने विड्रॉ किया था, क्या सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का भी ये इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ले जाना चाहिए था तुरंत, और तुरंत डायरेक्शन दे देना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को, इस तरीके से नहीं चलते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तकलीफ होती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया, ये इसके ऊपर सीबीआई का इंक्वायरी हो, और सीबीआई पूरे एविडेंस, ये तो लाफिंग स्टॉक है, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या वो कौन है? अरे आप लोग एविडेंस लेकर कलेक्ट करते हो, स्टेट जांच के ऊपर एविडेंस थोड़ी लेते हो आप, किसको मना रहे हो आप? स्टेट सीबीआई का जिम्मेदारी होता है, सीबीआई अपना खुद जांच करती है, खुद एविडेंस बनाती है, दर्शकों को आज की खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या पक्ष दोनों तरफ से सामने आए हैं, ममता बनर्जी का क्या कहना है, सीबीआई का क्या पक्ष है, जरा उसे भी आप समझिए, जिस तरह से बातें सामने आ रही है। देखिए ममता बनर्जी
ने यह कहा कि मोदी शाह के इशारे पर एक्शन हुआ। सीबीआई का यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच की गई। सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव कुछ देर पहले एबीपी न्यूज के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने ये बात खुद कही है। सीबीआई बिना वारंट आई, ये कहना ममता बनर्जी का, जबकि सीबीआई का यह कहना है कि वारंट की जरूरत नहीं थी, ऐसे मामलों में हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मोदी सरकार डराना चाहती है, जबकि नागेश्वर राव ने कहा कि हम पर किसी का प्रेशर नहीं है, यानी हम सीबीआई स्वतंत्र तरीके से जांच कर रही है। राजीव सबसे बेहतरीन अफसर, यानी जिनके पूछताछ के लिए गई थी या सीबीआई जिनसे, उनके बारे में कहना ममता बनर्जी का, जबकि सीबीआई का कहना है कि घोटाले के कई राज हैं राजीव कुमार के पास, कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के पास। तो ये दोनों पक्ष आपके सामने, ममता बनर्जी का क्या कहना है, सीबीआई का क्या कहना है। तो कोलकाता में आज क्या हुआ यह हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया है और जमकर अब इस मामले में राजनीति हो रही है। हर खबर हर तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप लगातार देखते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।